पढ़ेंगे कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई अंक ज्ञात करना ये बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा समझना होगा। समझने के लिए जैसे गुणा में देता है, कोई गुणा दे दिया, जैसे दे दिया है 8 3 2 × 4 = 65 × 82 × 97, इस तरह से गुणा दे दिया और कह दिया इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इतना बड़ा गुणा करके मान निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, कितनी बड़ी गुणा करेंगे समय टूटेगा। अब पूछा क्या है कि इकाई का अंक ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इकाई का ही गुणा करते हैं। इकाई गुणा करेंगे, जैसे ये देखिए ये इकाई है, यही इकाई है, यह इकाई है। तो हमने क्या 2 × 5 = 10 जीरो हो गया, 0 × 2 तो यहाँ से हम इसका इकाई अंक आएगा 0। एक बात पहले सिखा दें, हम एक बात बता दें आपको, यदि किसी भी गुणा में, यदि इस तरह कोई गुणा है और गुणा में किसी भी इकाई का स्थान पर 1 5 मिल जाए, जैसे कि हाँ मिला हुआ है, उसके बाद यदि कोई सम संख्या मिल जाए तो उसकी इकाई अंक सदैव 0 ही प्राप्त होगा, सदैव 0 प्राप्त होगा। कभी भी कोई कंडीशन, जैसे दे दिया 76 × 89 × 75। अब 1 5 और 1 सम संख्या है इकाई अंक पे, इसका मान क्या आएगा, देखिए 6 × 9 = 54, 4 से करेंगे 4 × 5 = 20, माने 0। तो माने किसी भी संख्या में गुणा करते समय यदि 1 5 और 1 इकाई अंक में कोई सम संख्या आ जाए, उसके बाद चाहे जितनी बार आए, तो क्या होगा, उसके इकाई अंक सदैव 0 होगा, सदैव 0 होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, अगर इससे इतर या इसके अलग रहेगा तब क्या करेंगे। इसके इतर या अलग का क्या है, जैसे दे दिया आपका 424, 828, 936, 773। अब इसके इकाई अंक क्या होगा, हम ज्ञात क्या करना, हम जो अध्याय पढ़ेंगे वही है इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना, इकाई अंक निकालना। इसमें वही कंडीशन का है, सेम कंडीशन, इकाई का गुणा करें, देखिए इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें किया, फिर इसका गुणा, अब 4 × 8 = 32 किया, तो 32 गुणा के नहीं करेंगे, फिर इकाई अंक क्या पढ़ेंगे 2, फिर 2 का गुणा करेंगे 6 में, फिर 2 × 6 = 12, फिर इकाई अंक पकड़ेंगे, फिर 2 × 3 = 6, इसका इकाई अंक आएगा, मन इकाई अंक ही पकड़ते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि 4 × 8 = 32 हो गया, तो 32 × 6 नहीं करेंगे, 2 × 6 करेंगे 12, 12 में फिर 2 लेंगे, 2 × 3 = 6, इकाई अंक, चाहे जितनी बड़ी प्रक्रिया रहे इसी प्रक्रम बढ़ते जाएंगे, केवल इकाई 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 गुणा करते चलेंगे और इस प्रकार हम लोग बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इकाई अंक ज्ञात करने में इकाई के अंकों का ही गुणा किया जाता है। फिर आगे, अब जैसे कोई क्वेश्चन है लगाइएगा आप लोग, 936, 487, 549, 367 का इकाई अंक होगा। इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी देखिए यूनिट डिजिट, इकाई अंक का 6 × 7 = 42, 42 को केवल 2 लेंगे, लिखे या मन में ही ले, फिर 2 × 9, 2 × 9 = 18, 18 को फिर 8 लेंगे, फिर 8 × 7 = 56। तो इकाई अंक ज्ञात करना काफ़ी आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग मेहनत करेंगे तो इकाई अंक आसानी से ज्ञात कर लेंगे या आसानी से निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया, चलिए, मतलब कहने का मतलब है केवल इकाई के अंक को ही पकड़ना, लेकिन कभी कभी जब घातांक पे देता है तब समस्या अलग हो जाती है, तो उसके लिए देखते हैं, क्योंकि परीक्षा में खासकर ज़्यादातर यूपीटेट में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे अगर दे दिया a घाते b, दे दिया a घाते b, तो ये आधा, इसमें जहाँ ए क्या है, आधार, इसे बेस कहते हैं,
ए आधार है और बी क्या है, घातांक है, जिसे हम पावर कहते हैं। माने ए आधार है, बी घातांक है। जब इस तरह के कंडीशन आते हैं तब क्या करेंगे, तो इसमें देखिए जैसे ए घाते बी है, अब दिए गए का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो इस तरह के जब प्रश्न आएंगे तो वहां क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यदि, एक लाइन लिख लीजिएगा, यदि यदि किसी आधार संख्या की, यदि किसी आधार संख्या की, यदि किसी आधार संख्या की संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक जीरो एक पांच, जीरो एक पांच छ हो तो, उसकी घातांक चाहे जितनी भी कर दिया जाए हो, तथा उसकी घातांक हो, तथा उसकी घातांक चाहे जितनी भी कर दी जाए, उसके इकाई का अंक, उसके इकाई का अंक वही प्राप्त होगा, इकाई का अंक वही प्राप्त होगा जो जो घातांक जो आधार की इकाई का अंक होगा, जो आधार आधार संख्या के इकाई का अंक होगा, जो आधार संख्या का इकाई का अंक होगा। इसको जैसे हम समझ लेते हैं, जैसे मैं दे दिया, जैसे 81 घाते 95 दे दिए, 81 घाते 95 दे दिए, का इसका इकाई का अंक होगा। तो ऐसे अगर करेंगे 81 गुणे 81 गुणे 81 95 बार करना हो, लेकिन हमने क्या देखा, यदि किसी भी संख्या के, यदि किसी भी दी गई संख्या के आधार, आधार माने ये बेस का इकाई का अंक एक, पहले जीरो एक पांच या छ हो, तो उसके इकाई का अंक सदैव वही संख्या प्राप्त होगी, इसके इकाई का अंक क्या आएगा, एक ही है। ठीक, अब जैसे दे दिया 320 का पावर 112, इसके इकाई का अंक जीरो। फिर दे दिया 325 घाते 25, इकाई का अंक पांच। अब दे दिया 216 का पावर 17, इकाई का अंक चाहे जितना दे दे, मतलब यदि इसमें से कोई आधार की इकाई का अंक है, उसकी घातांक हम चाहे जितना भी लगा दें, चाहे जितना कर दे, उसके इकाई का अंक सदैव वही संख्या प्राप्त होगी जो आधार के इकाई का अंक होगा। एकदम आसान तरीका है। ठीक, चलिए इसमें से एक दो क्वेश्चन लगा लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नोट कर लीजिए, साथ में नोट करते हुए चला करिए आप लोग। इसके अलावा आगे भी कुछ भी नहीं करना है, बस जो भी संख्या दिया गया है उसका जो इकाई का इकाई होता है, आधार है ये, आधार का जो इकाई का अंक होगा, अगर वह इनमें से कोई एक है, जीरो एक पाँच छः में से, तो उसकी घात चाहे जितनी भी लगा दे, उसका इकाई का अंक सदैव वही संख्या ही प्राप्त होगी। अब देखिए इसके अलावा यदि कुछ दे देता है तब क्या करेंगे, यदि इसके अलावा या इसके इतर कुछ देगा तो फिर हम क्या करेंगे। देखिए उसके लिए समझ लीजिए, जब इसके अलावा अगर प्रश्न आता है तो हम क्या लिखेंगे, जैसे पहले एक लाइन पहले समझा देते हैं फिर लिखवाएंगे, अच्छे समझ में आएगा। जैसे दे दिया 74 घाते 94
तो ये आधार और ये, तो अगर कोई भी संख्या हो तो इसका एक नियम है, चाहे वो 0, 5, 6 वाला भी हो या कोई नियम, सबसे पहले क्या करेंगे, घातांक में हम 4 का भाग देंगे। घातांक में क्या करेंगे, 4 से, घातांक कितना है 94। अब 94 में हम 4 से भाग देंगे, शेषफल इसका 2 बचेगा। कितनी बार जाएगा उससे मतलब नहीं है, शेषफल इसका 2 बचेगा। तो जितना शेष बचेगा वही क्या करेंगे, इकाई की घात लगा देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 16, इकाई का अंक 6। यदि एक कंडीशन और हो सकता था, जैसे दे दिया 87/72। अब 72 को, 72 माने घातांक है, घातांक को 4 से भाग देंगे, सब में घातांक में, सब में 4 से भाग देंगे, तो शेषफल 0 बचेगा। जहां शेषफल 0 बचेगा वहां क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है उसकी घात तब 4 लगाएंगे। याद रखिएगा, 7 × 7 × 7 = 4, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए फिर समझ में आएगा। तब पहले लिख लीजिए इसका सूत्र, लिख लीजिएगा, यदि किसी भी संख्या की, आधार संख्या की कोई भी घातांक दिया हो, तो सबसे पहले, एक तरह ट्रिक है, अगर समझ लेंगे तो याद रहेगा, सबसे पहले उस घातांक में 4 से भाग देते हैं, उस घातांक में 4 से भाग देते हैं या 4 से विभाजित करते हैं, भाग देने के फलस्वरूप जो शेषफल प्राप्त होता है वह दिए गए आधार के इकाई के अंक की घात, घातांक के रूप में लिखते हैं घातांक के रूप में लिखते हैं। लेकिन यदि शेषफल 0 प्राप्त हो, यदि शेषफल जीरो प्राप्त हो तो आधार के इकाई की घात 4 लिखते हैं। प्राप्त इकाई का अंक ही उत्तर होगा। समझ में आया आपको? अब दो एग्जांपल लिख लीजिएगा। ये 74 × 94 दिया, इस 94 को मैंने 4 से भाग दिया। 94 क्यों दिया? क्योंकि यह घातांक है, इस घातांक को 4 से भाग दिया तो भागफल किस प्रकार जाएगा, 4 × 2 = 8, 1 = 14, 4 × 3 = 12, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 2। तो यही 2 क्या करेंगे, इकाई के अंक क्या हो गए, 4। दिए गए संख्या की इकाई का अंक 4 है, 4 की घातांक लगा दिए तो 4 घातांक कितना लगेगा, जो शेषफल होगा 2, तो 4 × 4 = 16, इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6। फिर आगे हमने क्या किया,
ये लिख लीजिएगा ये। फिर हमने लिखा 87 घाते 72, 87 घाते 72 लिखा, 72 4 से भाग दिया, पूरी तरह विभाजित हो गया, 0 से बचा, तो 7 घाते 4 लिखेंगे। तो 7 × 7 × 7, इसको स्टार्टिंग समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित को संख्या दिया जाता है, फिर उसके घातांक निकाले जाए। जैसे दे दिया, तीन सौ चौदह घाते पंचानवे दिया है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम 95 को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दिया तो हमने ये देखा, 4 से भाग देने पर इसमें 1 शेष 3 शेष बचेगा, 92 जाएगा, 3 शेष बचेगा। तो 3 शेष बचेगा तो क्या करेंगे, इस 95 को अगर हम 4 से भाग देंगे, कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। उस 3 को कैसे लिखेंगे, इकाई अंक लिखेंगे 4, लिखेंगे 4 का घात 3। तो 4 × 4 × 4, तो 4 × 16 = 64 हो गया। तो 64 को इकाई अंक 4, इसका उत्तर कितना होगा, 4। ठीक, इसका आंसर होगा 4। चौबीस सौ 7 घात 113, इसमें भी सेम कंडीशन, इसमें भी जो घातांक है उसमें 4 से भाग देंगे, शेषफल निकालना है। पता चला शेषफल 1 प्राप्त हुआ, जब 1 शेषफल प्राप्त होगा तो क्या करेंगे, इकाई अंक क्या है इसकी, 7 घाते 1 = 7, तभी लगा। जैसे वो भी देख लीजिएगा, इसे दे दिया, वो 212 घाते 256 दे दिया। अब अगर 256 को हम 4 से भाग देंगे, क्योंकि घातांक में 4 से भाग देना है, 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, यहां लड्डू। जब लड्डू प्राप्त होगा तो हम क्या करेंगे, 2 की घात 4 लगाएंगे, तब 2 × 2 × 2 × 2 तो हो जाएगा आपका 16, 16 मतलब 6, इसकी इकाई घात कितना हो जाएगा, 6, इकाई अंक 6 हो जाएगी। कोई भी संख्या इस तरह से आपको मिलेगी, आसानी से आप कर लेंगे, लगा ले जाएंगे। क्या हुआ, हाँ समझ में आ गया होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण है कि समझ में आना। क्या मिटाए, अब देखिए इसमें भी प्रश्न बनाए जब जाते हैं तो थोड़े से अलग बनाए जाते हैं, जैसा कि इस बार भी यूपी टेट में भी पूछा गया था, तो थोड़े से अलग हो जाते हैं प्रश्न। अलग कैसे हो जाते हैं, दे दिया जैसे, −2 के इकाई का अंक होगा, का इकाई का अंक होगा, तो सेम प्रोसेस, इसके घातांक में 4 से भाग देंगे, ठीक, 3 शेष बचेगा, इकाई घात 3 लिखेंगे, तो 7 घाते 3 − 2, तो 7 का क्यूब कितना होगा, 343, तो 343 − 2, 341, इकाई का अंक 1। तो जो भी संख्या देगा आप आसानी से कर लेंगे, इस पर हम लोग बाद में क्वेश्चन में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन और समझ लेते हैं। दो सौ पैंतीस घाते
367 माइनस 2 घाते 2। इसमें क्या करना होगा, जब इकाई अंक 5 है, ध्यान दीजिए घटाने वाला सवाल है नहीं, इकाई अंक 5 है, घातांक कुछ भी हो, इकाई अंक आ गया 5, 5 माइनस 2 घाते 2 = 4, इकाई अंक 1 प्राप्त हुआ। क्योंकि हमने एक चीज और पढ़ा था साथ में कि यदि 0, 1, 5, 6 हो तो उसके इकाई अंक वही संख्या प्राप्त होगी। क्या करें, प्रोसेस लगाए हम, प्रोसेस लगाना ही नहीं है, ठीक समझ में आ रहा है। और देख लीजिए क्वेश्चन, सात सौ 66 घाते 34 × 835 घाते 30, भाई 875 घाते 30, हाँ इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी है, इसके इकाई अंक भी 6 है, इसके भी 6 है, जब हमने लिखा था कुछ देर पहले कि 0, 1, 5, 6 इकाई अंक वही प्राप्त होगी, तो यहाँ भी होगा 6 × 5 = 30 माने लड्डू, इसके इकाई अंक 0। अब कुछ होमवर्क लिख लीजिए ताकि समझ में भी आ जाए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए। चार सौ 424 घाते 216, 729 भागे 784, 738 घाते 739 घाते 739, 5743 घाते 43, इतना सॉल्व कर लेंगे तो बाकी मेथड अपने आप आपको आ जाएगा, क्योंकि चाहे जैसे परीक्षा प्रश्न आए आप कर ले जाएंगे। 251 घाते 55, 216 घाते 216, 216 घाते 216, बस इतना सॉल्व कर लेंगे तो कर लेंगे आसानी से। अब धीरे धीरे क्या होगा, बिना पेन उठाए आप करना शुरू कर देंगे, 4 से भाग देना है, अविभाजकता के नियम बढ़ा देंगे, विभाजकता के नियम के आधार पर आप कर लेंगे। और यदि आप जो अभ्यर्थी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो 6306344367 पर ज्वाइन सीटेट लिख के भेज देंगे, सीटेट लिख के भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे, तो ऑनलाइन क्लासेस जुड़ जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो चुकी है। यदि आपको लगता है बेहतर है तो ज्वाइन हो जाइएगा और शेयर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम पे अगर ये वीडियो को आपको चाहिए, टेलीग्राम पे इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश, बिना स्पेस दिए सर्च करिएगा दुर्गेश, जैसे दुर्गेश सर सर्च करेंगे ई-लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। और फेसबुक पेज पे भी है ई-लर्निंग विद दुर्गेश, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सीटेट की गणित की प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, इसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे और आप भी पढ़ते रहिए, सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियोज पहुँच जाए। और जो समस्या होगी वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करने का प्रयास करेंगे। और आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और लोगों को शेयर कर दीजिएगा।